देखिए अपन ने सात रूल तो कल पढ़े थे, कल तक अपन ने सात रूल पूरे पढ़ लिए थे, सात रूल तक यही था। अब ये जो वाला है ना, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते तो हिंदी में कहा जाता है इच्छा सूचक भाव, क्या कहा जाता है इच्छा, ठीक है। मैं यहाँ पर इच्छा लिख रहा हूँ, इच्छा सूचक भाव का कहा जाता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इच्छा। मतलब अपन भगवान से जो प्रार्थना करते हैं ना, वो सेंटेंस है, ये अपना लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए सेड के स्थान पर अर्थ के अनुसार ब्लेस्ड भी आ सकता है, कष्ट भी आ सकता है और बेस्ड भी आ सकता है। कष्ट मतलब क्या होता है, कोसना, ठीक है। कष्ट मतलब क्या होता है, कोसना। आदि का प्रयोग किया जाता है, मतलब अर्थ के स्थान पर आएगा। रिपोर्टेड स्पीच आपका क्या अर्थ देगी वो यहाँ पता चल जाएगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार ही लगाना है। अब ये लिखा गया इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आपको हटाकर क्या लगाना है बेटा, डेट लगाना है। उसके बाद देखना वाक्य को असर्टिव बनाना है और हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। एग्जाम्पल पे आ जाओ, ध्यान रखना वाक्य को कैसे बनाना है, असर्टिव मतलब सकारात्मक, और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाना है, बस इतना देखिए। और कॉमा हटाकर डेट लगाना है। अब जरा समझना, थोड़ा सा बताऊं, अब समझना जरा ध्यान से, ठीक है। तो देखिए पहला जो सेड, देखो ही सेड टू मी, क्या लिखा है, ही सेड टू मी, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए ही सेड टू मी लिखा है, चाहे सेड लिखा हो, अब मे यू लिव लॉन्ग आप इसमें क्या कर रहे हो, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मैं इसमें ये बोला गया है कि तुम, तुम्हारी दीर्घायु है, तुम चिरायु रहो या दीर्घायु रहो, तो अपन प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अपन क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई भी हमसे आशीर्वाद देगा तो यही क्या करना, दीर्घायु भव। जैसे आपने नाटक वगैरह हम देखा होगा, साधु संत जो कहते थे दीर्घायु भव कहते थे ना, तो देखो ही ब्लेस्ड माने उसने आशीर्वाद दिया, किसे दिया, मुझे। यू को किसे चेंज करना है, आई से, तो क्या हो जाएगा, कोमा टाइप करके लगाना अपन को, दैट। यू को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। माइट का, सॉरी मे का पास्ट क्या हो जाता है, माइट। लिव का लिव, लॉन्ग का लॉन्ग, क्लियर है। अब आते हैं द संत, एक मिनट रुकना, क्या अब आते हैं तो अपन समझना, देखो द संत, द संत क्या लिखा हुआ है, द संत, ठीक है। क्या लिखा है, द संत सेड टू मी, मतलब साधु ने मुझसे कहा, मे यू गेट सक्सेस, मैं सफलता प्राप्त कर सकूंगा, ठीक है। अब संत बीस्ट, संत ने इच्छा जाहिर की, किससे इच्छा जाहिर करी, मुझसे, यानी मनो ने अपनी इच्छा बताई, क्या बताई, कि दैट, कोमा टाकर क्या लगा दिया, दैट आई, मी का क्या हो गया आई, मे का क्या हो जाएगा माइट, गेट का गेट, सक्सेस का सक्सेस, और जो विस्मयादि मार्क है ना वो हट जाएगा, जिस तरीके से विस्मयादि चिन्ह आता है ना वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्लियर है। अगला सेंटेंस, दे सेड, उन्होंने कहा, यानी दे सेड इन्वर्टेड कॉमा लिव लॉन्ग लिव आवर पेरेंट्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे, सॉरी उन्होंने कहा, किसने कहा, दे। अब समझना देखो ध्यान से, तो दे प्रेड, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना की, हम प्रार्थना किससे करते हैं बेटा, टू गॉड, यानी भगवान से। तो याद रखना भगवान के साथ हमेशा टू लगता है, टू गॉड किसके लिए, की और लिव लॉन्ग, जिंदा रहे हमेशा के लिए, कौन रहे, देयर माने उनके माता पिता, क्योंकि देह से क्या चेंज हो गया, अवर चेंज हो गया, देह से क्या चेंज हो गया, अवर चेंज हो गया। तो ये कंडीशन करनी है आपको, ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में जो अर्थ आ रहा है, क्या आ रहा है, जो मीन आ रहा है, जो मीन्स आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, जो मीन्स आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट को चेंज करना है। इज दैट क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे कल से अगला रूल, अगला रूल पढ़ेंगे, ठीक है।